आप देख रहे हैं गाजीपुर स्कूप का 10 कदम। चलिए शुरू करते हैं गाजीपुर की 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन। गोरा बाजार स्थित गाजीपुर जिला अस्पताल में बच्चों के लिए तैयार हुआ 60 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर जिला अस्पताल में बच्चों के लिए 60 बेड का पीडियाट्रिक वार्ड बनाया गया है। कोरोना की संभावित तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए शासन ने यहां पर कई आधुनिक सुविधाएं, तकनीकी एवं यंत्र उपलब्ध कराए हैं। यह जानकारी बाल रोग विशेषज्ञ एवं नोडल अधिकारी पीडियाट्रिक वार्ड डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा ने दी है। उन्होंने बताया कि गाजीपुर जिला अस्पताल के पीडियाट्रिक वार्ड में 67 वेंटिलेटर, 20 हाई डिफेंसी यूनिट वार्ड जिसमें छोटे वेंटिलेटर लगाए गए हैं, इसी के साथ ही 20 आइसोलेशन वार्ड में सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि 67 वेंटिलेटर कार्य कर रहे हैं। करंडा के दीनापुर में 50,000 नकदी समेत जेवरात चोरी, जांच में जुटी पुलिस। खबर गाजीपुर से है, जहां करंडा थाना क्षेत्र के दीनापुर में चोरों ने चंद्रदेव दुबे उर्फ चंदुल बाबा के घर हाथ साफ कर दिया। चोरों ने घर में घुसकर 50,000 नकदी सहित कीमती जेवरात लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने तत्काल मामले की जानकारी डायल 112 पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुआयना किया, साथ ही स्थानीय से पूछताछ भी की। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुटी हुई है। ओवरलोडिंग व 3 डग्गा मार वाहन से आरटीओ अधिकारी ने काटे 1.5 लाख के चालान। खबर दुल्लभपुर से है, जहां दुल्लभपुर के अमारी स्थित हमीद मार्ग पर आरटीओ अधिकारियों ने 3 ओवरलोड ट्रकों व डग्गा मार वाहन की चेकिंग की। चेकिंग अभियान में आरटीओ अधिकारी ने एमके भारद्वाज सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि डग्गा मार वाहन व अवैध लोडिंग वाहन का जिलाधिकारी के निर्देश पर चेकिंग किया जा रहा है, जिसमें ओवरलोडिंग 3 ट्रकों से 50-50 की दर से 1.5 लाख का चालान काटा गया है। गाजीपुर एसपी रामबदन सिंह ने पुलिस लाइन में रिक्रूट आरक्षियों को दी शस्त्र चलाने व रखरखाव करने की जानकारी। खबर गाजीपुर से है, जहां आज पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक रामबदन सिंह ने प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला रिक्रूट आरक्षियों को शस्त्र के चलाने सहित इसके रखरखाव की जानकारी दी। इसके साथ ही पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए संबंधितों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। एसपी श्री सिंह ने पुलिस लाइन में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही महिला रिक्रूट आरक्षियों को शस्त्रों के संबंध में बताया। उन्होंने शस्त्रों को खोलने, जोड़ने, चलाने के बारे में, इनको सुरक्षित रखने के लिए रखरखाव के बारे में जानकारी दी। इसके बाद पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए व्यवस्थाओं को देखा, भोजनालय आदि को देखा, रजिस्टरों सहित अन्य व्यवस्थाओं को देखते हुए संबंधितों को दिशा निर्देश दिया। कहा कि साफ सफाई व्यवस्था को हर हाल में दुरुस्त रखा जाए। जखनिया बाजार में चलाए जा रहे कई डायग्नोस्टिक सेंटर में सीएमओ कार्यालय संबंधित डॉक्टर ने की पड़ताल। खबर जखनिया से है, जहां जखनिया बाजार में चलाए जा रहे सभी डायग्नोस्टिक सेंटर में सीएमओ कार्यालय संबंधित डॉक्टर संजीव कुमार सिंह व जखनिया सीएससी के चिकित्सा प्रभारी योगेंद्र सिंह यादव ने संयुक्त रूप से जांच पड़ताल किए, जिसमें उन्होंने जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे, जहां पहुंचते ही जीवन ज्योति डायग्नोस्टिक सेंटर की फाइल मांगी। फाइल में ठीक तरह से नाम पढ़ने में नहीं आ रहा था। जांच जिसकी हुई है उसका भी नाम क्लियर नहीं हो पा रहा था और क्या जांच की गई है वो भी ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा था। इस पर डायग्नोस्टिक सेंटर के मालिक को सख्त हिदायत दी गई, सही रिपोर्ट बनाने को कहा गया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होकर संबंधित डॉक्टर ने बताया कि हम लोगों ने सभी डायग्नोस्टिक सेंटर के लाइसेंस भी चेक किए, जिसमें कुछ लोगों का लाइसेंस पूर्ण नहीं था, जिनका पूर्ण न होने पर उनको पूर्ण कराने की हिदायत भी दी गई। गाजीपुर में विश्वविद्यालय स्थापना के लिए ट्विटर अभियान के लिए पीजी कॉलेज छात्र संघ भवन में हुई छात्र नेताओं की बैठक। खबर गाजीपुर से है, जहां गाजीपुर के पीजी कॉलेज में छात्र संघ भवन में सामूहिक रूप से छात्र नेताओं की बैठक संपन्न हुई। आगामी 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर विश्वविद्यालय स्थापना के लिए ट्विटर ट्रेंड अभियान के संबंध में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई। इस दौरान पीजी कॉलेज के पूर्व छात्र संघ उपाध्यक्ष दीपक उपाध्याय ने पीजी कॉलेज समेत जनपद के सभी छात्र छात्राओं, शिक्षा जगत से जुड़े तमाम बुद्धिजीवियों और जनपद वासियों से
इस ट्विटर अभियान से जुड़कर मुहिम को सफल बनाने की अपील की है। बता दें कि अगर आप भी गाजीपुर में यूनिवर्सिटी खुलने के पक्ष में हैं तो इस अभियान से जुड़कर ट्वीट कर सकते हैं। इस अभियान से जुड़ने के लिए 31 अक्टूबर सुबह 10 बजे से गाजीपुर मांगे यूनिवर्सिटी हैशटैग गाजीपुर नीड्स यूनिवर्सिटी को @myyogiadityanath @myyogioffice @dr.dineshbjp@kpmoria1@cmooffice.up@upgov टैग के साथ ट्वीट करना है ताकि सरकार इस दिशा में कदम उठाए। गाजीपुर में एकमुश्त समाधान योजना का 30 नवंबर तक उपभोक्ताओं को मिलेगा लाभ। खबर गाजीपुर से है, जहां तमाम बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। घरेलू व कॉमर्शियल बकाया बिल पर सरचार्ज माफी योजना शुरू हो चुकी है। ये योजना 30 नवंबर तक चलेगी। इसके लिए पंजीयन नहीं कराना होगा। अधीक्षण अभियंता सीबी सिंह ने बताया कि निजी नलकूपों पर 100% ब्याज माफी योजना लागू हो चुकी है। 2 किलोवाट तक के घरेलू उपभोक्ताओं को 100% तथा 2 किलोवाट से अधिक के उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी मिलेगी। वहीं 2 किलोवाट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 100% एवं 2 से 5 किलोवाट तक के कॉमर्शियल उपभोक्ताओं को 50% सरचार्ज माफी मिलेगी। बहुआरा गांव में जल जीवन योजना अंतर्गत महिलाओं को किया गया जागरूक। सेवराई तहसील क्षेत्र अंतर्गत बहुआरा गांव में ज्योति ग्रामीण एवं संस्थान के प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर विकास श्रीवास्तव के द्वारा गांव में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के उद्देश्य से हो रहे जलकल टंकी के निर्माण के तहत लोगों को जागरूक किया गया। बताया कि सभी लोग शुद्ध पेयजल के लिए कनेक्शन लें और पानी की फिजूल खर्ची न करें। सभी लोग स्वच्छता अपनाते हुए खुद को और अपने परिवार को संक्रामक बीमारियों से बचाएं। नशीली दवा के साथ दिलारनगर जीआरपी पुलिस ने 2 अंतरराज्यीय तस्कर को किया गिरफ्तार। जीआरपी चौकी प्रभारी प्रवेश कुमार सिंह ने बताया कि वह हेड कांस्टेबल नसरुद्दीन उर्फ हुमायूं व प्रशांत कुमार के साथ सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से प्लेटफार्म पर चेकिंग कर रहे थे। तभी प्लेटफार्म संख्या 2 पर रेल ओवरब्रिज के पास 2 युवक 3 बड़े बैग के साथ कहीं जाने की तैयारी में थे। जिन्हें देख संदेह होने पर उन्हें बुलाया गया तो वह भागने लगे, जहां पुलिसकर्मियों ने दौड़ाकर उन्हें पकड़ लिया और जीआरपी चौकी ले आए। जिनके बैग की तलाशी के दौरान 70,927 रुपए कीमत की 380 शीशी नशीली खांसी की दवा फेंसाडिल सिरप 100 ml बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना नाम पश्चिम बंगाल के जिला मालदा के थाना कालियाचक के मोनपुरा निवासी 18 वर्षीय रुबेल शेख व 21 वर्षीय मासिद अली बताए। पकड़े गए दोनों तस्करों ने बताया कि वह वाराणसी से सिरप खरीदकर पश्चिम बंगाल में ले जाकर महंगे दामों में नशे के लिए बेचते थे। पूछताछ के बाद जीआरपी पुलिस ने दोनों तस्करों को न्यायालय में पेश करने के बाद दोनों को जेल भेज दिया। सेवराई तहसील सभागार में विधानसभा 379 जमानिया के अंतर्गत SDM द्वारा BLO का प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न हुआ। बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर विधानसभा 379 जमानिया के समस्त सुपरवाइजर BLO का प्रशिक्षण कराया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए 1 नवंबर 2021 से प्रारंभ हो रहे विशेष संक्षिप्त पुनर्निरीक्षण के संबंध में जानकारी दी गई। प्रशिक्षण में बताया कि 1/1/2022 के आधार पर 18 वर्ष पूर्ण कर रहे मतदाताओं का नाम बढ़ाने तथा महिला मतदाताओं की संख्या बढ़ाकर जेंडर रेशियो सही करने हेतु निर्देशित किया गया। उप जिलाधिकारी ने बताया कि मतदाता सूची प्राप्त होते ही कार्य प्रारंभ करने हेतु निर्देशित किया गया है तथा विशेष अभियान तिथियों के संबंध में भी बताया गया, जिसके तहत माह नवंबर में 7, 13, 21 तथा 28 को सभी BLO अपने अपने बूथ पर बैठेंगे तथा आने वाले दावे आपत्तियाँ प्राप्त करेंगे। हर दिन गाजीपुर की ऐसी ही 10 बड़ी खबरों की बुलेटिन को देखने के लिए आपके अपने चैनल गाजीपुर स्कूप को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें।